अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, मैं जेनी लिब्रा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफ़ेक्टिव नाइट क्रीम। आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा वाइटनिंग इफेक्ट देगा, ये आपकी स्किन को वाइट कर देगा, ब्राइट कर देगा। आप इसको हाथों पैरों दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, इसके असर आपको बहुत। तो जी, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पर वीडियो की तरफ जाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी, इस क्रीम को बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। हम ले लेंगे एक इस तरह का कोई भी कंटेनर। आप एक इस तरह का कोई भी कंटेनर लें। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच एलोवेरा। आप इसमें फ्रेश एलोवेरा नहीं यूज़ कर सकते, आप इसमें इस तरह की एलोवेरा ही यूज़ करेंगे। फ्रेश एलोवेरा अगर आप डालेंगे तो आप उसको फिर क्रीम को स्टोर नहीं कर सकेंगे। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच एलोवेरा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कोई सा भी लोशन। आप कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पाउंड्स का लोशन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी, जो आपके घर में लोशन मौजूद हो, आप कोई भी लोशन इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लोशन। इन दोनों चीज़ों को डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच ग्लिसरीन। ये आपको मार्केट से बहुत इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आप इसमें 1/2 चम्मच ग्लिसरीन का यूज करेंगे। इन तीनों चीजों को डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह की बन जाएगी, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये इस तरह का व्हाइटनिंग कैप्सूल आपको बाजार से, किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से बहुत इजी से मिल जाएगा। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 व्हाइटनिंग कैप्सूल। इसको हम ऊपर से इस तरह से कट करके इसमें ऐड करेंगे 1 व्हाइटनिंग कैप्सूल। तो जी, व्हाइटनिंग कैप्सूल हमने इसमें डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। ये 400 mg का विटामिन ई का कैप्सूल आपको मार्केट से मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से ये आपको मिल जाएगा। 400 mg का हम इसमें 1 कैप्सूल यूज़ करेंगे। अगर आप 200 mg वाला लेंगे तो आप इसमें 2 कैप्सूल यूज़ करेंगे। तो हम इसमें ये 1 कैप्सूल निकाल के इसमें डालेंगे। इसको भी हम इसी तरह से कट करेंगे और इसमें डाल देंगे। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी, ये आपकी एक बहुत ही जबरदस्त सी नाइट क्रीम तैयार है। इसको आप एज अ नाइट क्रीम भी यूज करें, एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज करें। ये आपको बहुत अच्छा वाइटनिंग देगी आपकी स्किन को। आप इसको रात को सोते वक्त हाथ धोकर, पाँव धोकर थोड़ी सी लें इस तरह से, और उस तरह से आप इसको अपने हाथों और पाँव पे लगा लें। हाथों और पाँव पे लगाने के बाद आप इसको सुबह किसी भी साबुन से, सोप से, जो भी आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं उससे आप वॉश कर लें। आप देखेंगे कि विद इन डेज आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश लगने लग जाएगी, ग्लो करने लग जाएगी। जो सर्दियों की वजह से स्किन अजीब सी हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगी। आप इसको बंद करके इस कंटेनर को किसी भी जगह पे आप इसको स्टोर कर लें। ये आपकी 15 दिन इस्तेमाल हो जाएगी। 15 दिन बाद आप दोबारा नहीं करें। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।